हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सीएमए कोर्स करना चाहते हो तो क्या बजटेड कॉस्ट है सीएमए कोर्स के लिए, वो आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे सारी वीडियोज की अपडेट आपको मिलते रहे, जिससे आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपसे रिलेटेड हो आपको मिस ना हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बता दूं, देखो सीएमए में तीन लेवल होता है, एक फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इन तीन लेवल में आपको टोटल जो सब्जेक्ट्स है 20 सब्जेक्ट्स है। एंड अगर आप क्लासेस लेते हो तो आपको 20 सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट आपसे क्या फीस चार्ज करता है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए। जो आपको इंस्टीट्यूट को पे करना है वो आपको पे करना है 6,000 फाउंडेशन के लिए। एंड इसके अलावा आपको 23,100 इंटरमीडिएट के लिए एंड 25,000 फाइनल के लिए। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है इन तीनों को एड ऑन करके 54,100 रुपीज आपको इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस भी आपको पे करनी हो सकती है। सो अप्रोक्स मान के चलो 55,000 आपको इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल, तो आपको एग्जामिनेशन फीस देना पड़ता है। अप्रोक्स मान के चलो 1400 to 1500 पर ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है आप कितने अटेम्प्ट देते हो, उस हिसाब से ये एग्जामिनेशन फीस हर अटेम्प्ट में मल्टीप्लाई बाय 1500 होते चला जाएगा। अब बात करते हैं क्लासेस की। तो देखो यहाँ पे दो मोड ऑफ क्लासेज है, एक तो ओरल मोड है क्लासेस की, एक तो पोस्टल मोड है। अगर आप ओरल एडमिशन लेते हो तो सीएमए इंस्टीट्यूट ही आपको क्लासेज प्रोवाइड करेगी। अप्रोक्स काफी, मैं बोलूँ ऐसा नहीं कि 100% कोर्स कंप्लीशन होता है उसमें, उसमें 60 to 70% कोर्स कंप्लीशन हो सकता है आपकी। एंड आपको उसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर आप ओरल एडमिशन लेते हो तो। दूसरा हम बात करते हैं पोस्टल। पोस्टल एडमिशन में क्या होगा कि इंस्टीट्यूट आपको कुछ सिर्फ आपको स्टडी मैट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा बाकी जितने भी क्लासेज हैं वो आपको बाय सेल्फ करना है, स्टडी आपको बाय सेल्फ करनी है। इसमें स्टूडेंट्स करते क्या है कि जो नियरेस्ट प्राइवेट कोचिंग्स होते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन पेन ड्राइव क्लासेज अवेलेबल होते हैं, तो उन सबको ज्वाइन करते हैं। एंड वो प्राइवेट ट्यूटर से क्लासेस लेके अपने सीएमए फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल की प्रिपरेशन करते हैं। तो पहला तरीका ओरल मेथड है, दूसरा तरीका पोस्टल मेथड है। ओरल मेथड में आपको चैप्टर्स में जाने पड़ेंगे, क्लासेस करने पड़ेंगे, उसमें अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पोस्टल में कोई अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको कहीं पे क्लासेस करने नहीं जाना है। तो पोस्टल बेसिकली ये थॉट्स के साथ बनाया गया था कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अगर सीएमए कोर्स करना चाहते हैं तो वो क्लासेस जाके अटेंड नहीं कर सकते हैं, इस लॉजिक के साथ उन्होंने पोस्टल कोचिंग को लेके आया। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओरल में को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है कि एक तो 100% सिलेबस कवरेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ओरल को नहीं लेके जाते हैं, पोस्टल के साथ चले जाते हैं कि हम बाहर से हम क्लासेस ले लेंगे। तो ये आपके पास ऑप्शंस है। अब बात करते हैं फीस की। अगर आप पोस्टल कोचिंग करने जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्टीट्यूट को आपको टोटल फीस पे करना है 54,100। इट मीन्स मैंने उसको 55,000 ट्रीट किया है। इसके अलावा आप अगर फाउंडेशन लेवल की बात करो तो अप्रोक्स 10 to 12,000 की आपकी फाउंडेशन की क्लासेज आएगी, अगर आप चारों सब्जेक्ट की क्लासेज अगर आप लेना चाहते हो तो। यानी 55,000 प्लस 10,000 अगर हम करते हैं तो अप्रोक्स 65,000 हो जाता है आपका फाउंडेशन की क्लासेज के साथ। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में अप्रोक्स आपके जो क्लासेज की कॉस्ट आने वाली है वो कम से कम 50,000 का आने वाला है। 50 to 60,000 की आपको बजट लेके चलने पड़ेगी अगर आप 8 सब्जेक्ट्स की अगर आप क्लासेज लेना चाहते हो। तो इसको हम 60,000 हम लेके चलते हैं, यानी 65 प्लस 60 अप्रोक्स ये हो जाता है 1,25,000 आपके कोर्स फीस। अब हम बात करते हैं फाइनल की। तो फाइनल में भी अप्रोक्स आपको सेम 60 to 70,000 आपके कोर्स की कॉस्ट आने वाली है। तो 125 प्लस अप्रोक्स आपके 180 हो रहा है, प्लस में 10 to 15,000 और ऐड कर देता हूँ। रीजन क्या है कि हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट की क्लासेज कुछ अच्छे फैकल्टी के साथ जाना चाहते हो जो फेमस है, तो उनकी फीस थोड़ी सी ऊपर होती है। तो अप्रोक्स 2 लाख आपकी टोटल कॉस्ट बनती है, जिसमें 55,000 आपको इंस्टीट्यूट को पे करना है प्लस बाकी रिमेनिंग आपकी 20 सब्जेक्ट्स की क्लासेस की। ये 2 लाख तो हो गया आपकी
इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन से लेके एंड आपके क्लासेस तक के चार्ज। अब बात करते हैं, देखो इसमें दो मोड ऑफ क्लासेज है, एक तो आप ऑनलाइन क्लासेज ले लो एंड आप अपने घर बैठ के जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, आप वहीं पे क्लासेस कर लो। सिर्फ जब पेपर देना हो तो आप मेट्रो सिटीज या फिर जैसे बिहार में पटना में सेंटर, एग्जाम सेंटर है, पटना जाके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। हर एक स्टेट में जो भी नियरेस्ट आपके एग्जाम सेंटर्स होंगे आप वहां जाके आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद अनदर ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप लाइव क्लासेज लो, फेस टू फेस क्लासेज लो। तो अगर आप फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको मेट्रो सिटीज में आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, या तो आप दिल्ली जा सकते हो या फिर आप कोलकाता जा सकते हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप दिल्ली जाते हो तो दिल्ली भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, अप्रोक्स 6,000 से लेके 7,000 के अंदर आपका पर मंथ का रहने प्लस खाने का एक्सपेंसेस दोनों को ऐड कर देते 6 to 7,000 में आपका हो जाएगा। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपको 3 साल से 4 साल इस कोर्स को करने में लगता है, तो 7,000 को अगर आप मल्टीप्लाई बाई 4 ईयर से करते हो तो अप्रोक्स इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी, 1 सेकेंड, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 12 × 4, तो यानी 3,36,000 आपकी लिविंग कॉस्ट आ जाएगी। इसके अलावा आपको सीएमए जब आप करते हो, आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, तो ट्रेनिंग मिलती है तो अप्रोक्स 10 to 12,000 का आपको स्टाइफन मिल सकता है, 22,000 तक का आपको स्टाइफन मिल सकता है। तो वहां से आप अपने फाइनल की एक्सपेंसेस को तो आप निकाल सकते हो, बट आपको फाउंडेशन एंड इंटर की कॉस्ट तो आपको अपने जेब से देनी पड़ेगी। तो अप्रोक्स 3,36,000 प्लस मैंने आपको 2 लाख बता दिया जो आपकी फीस सब कुछ लेकर अगर मैं बात करूँ तो 5,36,000 बनते हैं। इसमें आप 10 to 15,000 और ऐड कर दो, बिकॉज आपको कॉपी पेन ये सारी चीजें अगले 3 से 4 साल तक आपको परचेज करनी पड़ेगी, फोटो कॉपीज करवाने पड़ते हैं नोट्स, तो अप्रोक्स 10 to 15,000 आप उसका ऐड कर दो, तो अप्रोक्स आपको इस कोर्स को करने का कॉस्ट 5,50,000 तक का आ सकता है अगर आप क्लासेस लेते हो। तो अगर आप बाई सेल्फ करते हो तो आपको जो फीस इंस्टीट्यूट को देना है डेट्स इट, उसके अलावा आपको कोई और फीस पे नहीं करनी है। तो बोथ ऑप्शन आपके साथ है। अब स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें क्लासेस के साथ जाना चाहिए, बाई सेल्फ करना चाहिए। तो बाई सेल्फ करने में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं आपके पास, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको डाउट सॉल्व करने वाला कोई नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हो सकता है काफी टाइम लगे। तो स्टार्टिंग फेज में मैं यही बोलूंगा कि फाउंडेशन इंटरमीडिएट में आप क्लासेस लगा, फाउंडेशन की क्लासेस तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इंटर लेवल पे आपको क्लासेस लेनी चाहिए। फाइनल लेवल पे आने के बाद आप कुछ सब्जेक्ट की क्लासेज आप स्किप कर सकते हो, उसको आप बाई सेल्फ कर सकते हो, बट इंटरमीडिएट पे तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो आप मान के चलो कि आपका जो टेंटेटिव बजट हो सकता है वो सीएमए करने के लिए कम से कम 5 लाख तो आपको लेके चलना पड़ेगा। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बैड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।